Hey everyone, good afternoon. मैं हूँ पॉलमी एंड वेलकम टू माई चैनल बाइफोकल जिंदगी. कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. मैं भी अच्छी हूँ. तो आज दोपहर से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और अभी जस्ट नहा के आई हूँ. तो ये देखिए, बाल बाल पूरा भीगा हुआ है. एक्चुअली आज सोचा था ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, लेकिन उसके बाद सोचा कि नहीं, बर्थडे वाले दिन हम लोगों ने क्या किया वो तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए. तो बेसिकली मनोजीत का आज ऑफिस था, लेकिन उसको वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो इसलिए वो आज घर पे ही है. तो कल रात को तो सारा सेलिब्रेशन ख़त्म करके सब कुछ साफ वाफ करके रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था, तो उठने में भी लेट हो गया. तो उठने के बाद बाहर गई, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद घर आके लंच बनाया. तो आज मैंने लंच में बनाया चिकन कोशा एंड बासंती पुलाव. बंगाली में बहुत फेमस डिश है ये, तो बर्थडे स्पेशल आप बोल सकते हो. उससे ज़्यादा नहीं बना पाई, और भी थोड़ा प्लान था कुछ बनाने का, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, वैसे ही काफ़ी लेट हो गया था. तो यही बनाई और साथ में बैंगन भाजी बनाया मैंने. और कुछ तो थोड़ा बहुत करूँ ना. और शाम में शायद बाहर जाएंगे हम लोग डिनर के लिए, मनोजीत ट्रीट देगा मुझे अपने बर्थडे का. तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो तो ज़रूर शेयर करेंगे ही. तो सोचा अभी से ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ. मैंने क्या बनाया उसके लिए वो भी आपसे शेयर करूँ, नहीं तो आप लोगों को भी लगेगा कि क्या है, बीवी ने कुछ बना के नहीं खिलाया क्या बर्थडे वाले दिन. तो आज उसी के पसंद का खाना बनाया है, थोड़ा ही बनाया है, लेकिन उसने जो बोला वही बना के दिया मैंने. तो दिखाती हूँ कैसा क्या बना है. ये है लंच मनोजीत का और मेरा भी. तो चिकन कोशा, बैंगन भाजी और बासंती पुलाव, होप उसको अच्छा लगेगा. क्या खुश हो लंच से? मेरा फेवरेट लंच है, जरूर खुश होना है. बहुत अच्छा बना है, मैं मतलब देख के लग रहा है. हाँ, खाना मत खाना, मैं आती हूँ साथ में खाएंगे. खाना खा के देखते हैं, चलिए ठीक है. तो अभी हम दोनों लंच करेंगे और बाद में शाम में कहाँ निकलते हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. हे गाइस, अभी मैं डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ और ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ. तो सिंपल सा एक कुर्ता पहना है मैंने. तो अभी हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा डिनर करने के लिए. पता नहीं कहाँ जाते हैं, देखते हैं, निकल के डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे. और सिंपल सा थोड़ा दोनों सेलिब्रेट करेंगे, वही है. तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, सोचा रेडी होके फिर ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ. और रुकिए दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनी हूँ. सो दिस इज़ माई टूडेज आउटफिट. मैं सिंपल सा ये कुर्ता पहनी हूँ. तो देखा आपने मेरा ड्रेस, यही मैंने पहना है, सिंपल सा कुर्ता पहना है मैंने. और ये रहा मनोजीत. तो अभी हम दोनों क्या डिनर करने जा रहे हैं ना. हाँ, इसका ट्रीट है मेरे तरफ से, ट्रीट है उनको. देखते हैं क्या खाते हैं और कितना का मतलब खर्चा लगता है. तो जो भी होगा कोशिश करेंगे शेयर करने के लिए. पता नहीं बाहर कितना शूट कर पाऊंगी, लेकिन जो भी होगा आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. तो बने रहिए और देखते रहिए. आ गए हैं अभी हम लोग रेस्टोरेंट में और खाना ऑर्डर किया है. तो खाना आएगा तो दिखाते हैं क्या खाना है. और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, अच्छा लग रहा है आके, है ना. चलिए देखते हैं कितना बिल फटता है. अच्छा रेस्टोरेंट है. बिल कितना फटता है. हाँ, तो खाना आए फिर दिखाते हैं क्या लिया है. ये आ गया हम लोगों का स्टार्टर. तो इसका नाम था अफ़गानी चिकन ऐसा कुछ. तो काफ़ी अच्छा था खाने में, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छे से पका हुआ, अच्छा लगा खा के, टेस्टी डिश था.
और स्टार्टर के बाद हम लोगों ने मेन कोर्स ऑर्डर किया, और जब तक मेन कोर्स आए हम लोग बैठ के ऐसे ही बातें बातें कर रहे थे। एम्बियंस बहुत ही अच्छा था रेस्टोरेंट का, और ओवरऑल सर्विस भी बहुत अच्छा था, तो हमें बहुत पसंद आया। मेन कोर्स में हमने लिया था नान और मटन का एक डिश, क्या नाम था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी खाने में बहुत टेस्टी था। ओवरऑल इन लोगों का खाना मैं बोलूँगी बहुत बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग अपना डिनर एंजॉय कर लेते हैं। और डिनर के बाद हम लोग निकल गए, ऑटो ले लिया और घर वापस आ रहे हैं। तो रात में सुनसान सड़क और मुंबई की मुझे बहुत पसंद आती है, मतलब गाड़ियाँ तो चलती ही रहती है। हे गाइस, कल रात के बाद आज मैं नेक्स्ट डे सुबह आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। कल रात को रेस्टोरेंट से आते आते काफ़ी लेट हो चुका था, मतलब 11:30-12 बज गया था, तो इसलिए मैंने और रात को ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि इतने रात में आने के बाद टायर्ड भी लग रहा था, तो फ्रेश होके सोने चली गई, और इसलिए सोचा कि अभी आप लोगों से बात करती हूँ। तो मनोजीत का बर्थडे तो बहुत अच्छा बीता, बहुत ही अच्छा, मतलब उसको सारा कुछ बहुत पसंद आया, डेकोरेशन वगैरह उसका ये। और उसके बाद कल तो मैंने वैसे उसके लिए उसके मनपसंद का खाना भी दोपहर में बना के दिया था, और शाम में हम लोग गए थे, बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे गए थे, एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा था, तो हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा खासा टाइम मिला था, अच्छे से मतलब बैठ के बात बात कर रहे थे, और खाना भी बहुत बहुत टेस्टी था। तो ऑल टुगेदर उसका बर्थडे बहुत अच्छा बीता, दोनों ने बहुत ही एंजॉय किया, और जो भी हुआ मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। नेक्स्ट डे इसलिए मैंने फिर से ब्लॉग बनाया, क्योंकि एक्चुअल में बर्थडे वाले दिन हम लोग क्या कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो इसलिए। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, और अगर चैनल में नए हो और पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग और भी आने वाला है, दुर्गा पूजा आ रहा है, उसके बाद हम लोग बाहर भी जाएंगे घूमने, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। मिलूंगी फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाइफोकल जिंदगी।